नमस्ते किसान भाइयों, मैं गणेश किसान, फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। कुछ कर्नाटक से किसान मित्र जुड़े हुए हैं, केला किसान। किसान काफ़ी परेशान हैं, इन्होंने कुछ फोटोग्राफ भेजे हुए हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। ये सामने ऐसे दो फोटोग्राफ इन्होंने भेजे हैं, कम से कम इनका प्लॉट लगा हुआ है केले का। ये इलक की बनाना है, वहाँ का लोकल। आइए किसान से समझते हैं उन्होंने क्या पूछा हुआ है। गणेश भाई, ये कीड़ा है झाड़ में, एक 15-20 पौधे गिर गए हैं, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है गणेश भैया, कौन सा दवा मारना चाहिए इसमें? गणेश भाई, ये कीड़ा है झाड़ में, ये जो कीड़ा आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही भयंकर कीड़ा है। जैसे ये वाला, ये बीटल है, बीटल बोलते हैं, काले कलर का ये। इसमें आप अगर देखोगे कि सामने इसके सुंडी होती है, सुंडी से केले के पौधे में छोटे छोटे छेद गिरा देता है, और इसका जो पल्प गूदा होता है वो खाकर उसमें से लाड़ निकाल लेता है, तो केले का पौधा जो है पूरी तरीके से अंदर से खोखला कर देता है। फिर केले के पौधा का जो थड़ है या केले का पूरा पौधा है वो ऑटोमेटिकली नीचे गिरना शुरू हो जाता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है, अभी बारिश का मौसम लगा हुआ है और बारिश के मौसम में ये बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब इसका जर्मिनेशन का रेशो जो है बहुत फास्ट है। जैसे ये कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा हुआ, ऐसा लाड़ ये निकालता है। तो इसके लिए प्रोटेक्शन क्या करना है, प्री प्रोटेक्शन। सबसे पहले तो अभी बारिश शुरू होने से पहले या बारिश शुरू होने के बाद, जैसे अभी एक दो बारिश हर जगह पे आ चुकी है, तो पूरे फील्ड में जहाँ जहाँ पे सूखी पत्तियाँ हैं, मैं झुकी पत्ती की बात नहीं कर रहा हूँ, सूखी पत्तियाँ हैं, केले के पूरे थड़ को क्लीन कर लेना है। क्लीन कर कचरा एक साइड में डाल देना है, ताकि पूरे खेत में कचरा रहेगा तो ये पूरे खेत में बीटल फैल जाएगा। दूसरी बात, स्प्रे में क्या लेना है, अभी स्प्रे में आप ले सकते हो जैसे 200 लीटर पानी, वाटर, उसमें 400 ml क्लोरोसाइपरमेथ्रिन। ये क्लोरोसाइपरमेथ्रिन लेने के बाद में इसमें 2 kg ब्लीचिंग पाउडर लेना है। अभी ये जो पौधे हैं सामने आपके पास, ये जो पौधे दिख रहे हैं ये रिपेयर नहीं होंगे, ये पूरे ख़त्म है, लेकिन बाकी पौधों में ये दिक्कत ना आए और ये जो बीटल है ये हर जगह पे ना जाए, ये यहीं पे ख़त्म हो जाए, सूख के वहीं पे ख़त्म हो जाए, इसके लिए ये चीज़ें करनी है। तो ब्लीचिंग पाउडर का घोल जो है तो इन पौधे के तने के पास नीचे गोल राउंड में 500 ml डाल देना है, और थर्ड के ऊपर से यहाँ से नीचे तक आना चाहिए लिक्विड, ऐसा डालना है। दूसरा, स्प्रे में क्या लेना है, ये ड्रिंचिंग में मैंने आपको बोला है, ड्रिंचिंग वाला शेड्यूल मैंने बोला है। स्प्रे में अभी क्या लेना है, स्प्रे में एक 200 लीटर पानी, इसमें भी क्लोरोसाइपरमेथ्रिन लेना है 500 ml। उसके बाद में इसमें यूरिया 2 kg डाल देना है, यूरिया अपना नाइट्रोजन जो आता है यूरिया। उसके बाद उसमें 50 ml स्टिकर या शैम्पू का पाउच भी आप ले सकते हो। ये लेने के बाद में इसके थर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर ये बीटल ने हमला किया है, अटैक किया है, यहाँ पर पूरा फोलियो स्प्रे कर देना है, इसको नहला देना है। दूसरे, अपने फील्ड में जो अच्छे पौधे हैं उसमें भी बढ़िया तरीके से पूरे थर्ड के ऊपर, जो पौधे का थर्ड होता है ना नीचे वाला, उसके ऊपर भी, और जहाँ से पत्ते ऊपर से निकल के आ रहे हैं, जैसे केले का थर्ड ऐसा होता है और यहाँ से पत्ते निकलते हैं, ये पत्तियाँ जो निकलती है ना, यहाँ पर भी लिक्विड जाना चाहिए, और यहाँ पे लिक्विड जाएगा और इसके थर्ड के ऊपर भी पूरा स्प्रे होगा तो बढ़िया से आपको राहत मिलेगी। दूसरा, ड्रिंचिंग इसके तने के पास में डालनी है, यहाँ पर 500 ml ड्रिंचिंग डालनी है।
जो मैंने ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरोसाइपरमेथ्रिन, और उसमें भी आप यूरिया दे सकते हो। यूरिया इसलिए कि यूरिया फोम बनाएगा और फोम बनाएगा तो ये फ्यूम जो रहेगी, जो गैसेस निकलेगी, तो गैसेस की वजह से ये सूख जाएगा। काम करते समय सबसे पहले ये काम करना है कि ड्रेंचिंग सबसे पहले करनी है और बाद में स्प्रे। इन दोनों से पहले भी प्राइमरी है खेत की सफाई। आपको खेत की सफाई करना बहुत ही आवश्यक है, तभी ये बीटल की समस्या जाएगी। नहीं तो बीटल केले का कैंसर है, ये केले के पौधों में भयंकर तरीके से कई सारी चीज़ों में कई दिक्कतें लाता है। तो एकमात्र ये पर्याय है, और ये हर सप्ताह में एक बार ये स्प्रे करना है तभी ये जाएगा, नहीं तो लगभग लगभग ये नहीं मरता है। एक बार स्प्रे करने के बाद में दूसरी बार भी स्प्रे करवा देना है। मेन है आपके खेत की साफ सफाई, ठीक है? ओके, थैंक यू भारत। नमस्ते किसान, मैं गणेश किसान। आपको अगर ऐसे ही वीडियो बनाकर भेजने हैं तो आप 77 329 78 999 ये नंबर पे, मेरे नंबर पे वीडियो बनाकर भेज सकते हो। ओके, थैंक यू भारत। नमस्ते किसान।